हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर इंट्राडे स्टॉक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, आज जो स्टॉक ट्रेड करने दे थे उसका भी परफॉर्मेंस जानेंगे, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहे। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, आपको वहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स, पहले हम बात कर लेते हैं आज जो स्टॉक ट्रेड करने दिए थे उसका परफॉर्मेंस जान लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, जिसमें हमारा ये लेवल पे ब्रेकआउट करना था, तो ये हमारा बाय ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, तो इसमें हमारा ये लेवल बाइंग पोजिशन लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर इसमें हमारा, अगर आप शॉर्ट सेल पोजिशन लेवल बनाए होंगे तो शॉर्ट सेल पोजिशन लेवल हमारा ट्रिगर हुआ, जबकि स्टॉक में ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक में लो बनाया लगभग ये 1307 के पास, तो इसमें जो है हमारा कोई सा टारगेट अचीव देखने को नहीं मिला, तो ये स्टॉक हमारा अवॉइड हो गया। तो आज का हमारा सेकेंड स्टॉक था आईटीसी की तरफ से, जिसमें हमें इस पर ब्रेकआउट करने पे हमारा ये बाइंग पोजीशन लेवल था, जबकि ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला आपको यहाँ पे इस कैंडल के पास, जबकि हमारा बाइंग पोजीशन लेवल ट्रिगर हुआ और ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये 480 के पास, तो इसमें जो है हमारा दोनों टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गया और ये स्टॉक जो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा। अगर ट्रेडर आप इसमें ट्रेड किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे, अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा थर्ड स्टॉक दिए थे यूपीएल के तरफ से, जिसमें हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला इस कैंडल के पास, जिसमें हमारा बाइंग पोजीशन लेवल टिकट देखने को मिला, जिसमें हमारा ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये 645 के पास, तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत आसानी से अचीव देखने को मिला, तो ये भी स्टॉक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा। अगर ट्रेडर आप इसमें भी प्रॉफिट बुक किए होंगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज का हमारा फोर्थ स्टॉक था जो कि लास्ट स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से, जिसमें हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसमें हमारा ये लेवल तो टिगर हो गया, जबकि स्टॉक में ये दोनों टारगेट था, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये 797 के पास, तो इसमें जो भी हमारा ये फर्स्ट टारगेट अचीव देखने को मिला। अगर ट्रेडर आप इसमें भी ट्रेड किए होंगे, अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज हमारा यूट्यूब स्टॉक में चार में से हमें एक स्टॉक में हमें एसएल देखने को मिला, तीन स्टॉक में हमारा, दो स्टॉक में फर्स्ट टारगेट अचीव देखने को मिला और एक स्टॉक में हमारा सारा टारगेट अचीव देखने को मिला। तो ट्रेडर्स, अगर आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक वीडियो चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो ट्रेडर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा पेड इक्विटी ग्रुप के बारे में, जिसमें हमें दो स्टॉक दिए थे, जबकि हमारा फर्स्ट स्टॉक था मुत्तू फाइनेंस में, जिसमें आप देख सकते हैं बाइंग पोजीशन टिकट देखने को मिला, जिसमें हमारा दोनों टारगेट था ये 1300 का और 1305 का, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये 1308 के पास, तो इसमें जो हमारा सारा टारगेट अचीव देखने को मिला। हमारा ये आज का फर्स्ट स्टॉक था जो कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था, जो पेड इक्विटी ग्रुप का था। सेकेंड स्टॉक था हमारा सन टीवी की तरफ से, जिसमें भी हमें बाइंग पोजीशन टिकट देखने को मिला, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट था 512 का, सेकेंड टारगेट था 515 का, तो जबकि स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये स्टॉक ने हाई बनाया लगभग ये 527 के पास, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा दोनों टारगेट अचीव हो गया और ये स्टॉक जो हमारा जैकपॉट साबित हुआ पेड इक्विटी ग्रुप में। अगर ट्रेडर आप हमारा पेड इक्विटी ग्रुप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 199 पर मंथ अभी मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप अभी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, बात कर लेते हैं हमारा सेकंड पेड इक्विटी ग्रुप, जिसमें हमें बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉल दिए थे, जो आप देख सकते हैं इसमें हमारा सारा टारगेट अचीव देखने को मिला, जबकि आप एक लॉट में लगभग ये ट्रेडर ने एक लॉट में लगभग ये 1600 से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। अगर ट्रेडर आप भी इसी तरह से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप भी हमारा ऑप्शन ग्रुप का पेड ऑप्शन ग्रुप ले सकते हैं, जो कि 249 पर मंथ अभी मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अभी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा बीपीसीएल के तरफ से, इसको 15 मिनट के टाइम पर में देखें तो इसमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आप इसमें ये जो देखें, ये जो ट्रेंड लाइन जो है ये मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो कर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम रिटेस्ट क्या है, फिर ये सेकेंड टाइम रिटेस्ट क्या है, फिर यहाँ पे ये थर्ड टाइम रिटेस्ट क्या है। अगर ट्रेडर कल के चांस है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तब आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर ट्रेडर ये ब्रेकआउट करेगा
तब आपको इस लेवल के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 385 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 387 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 390 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 382 का। अगर ट्रेडर ये लेवल के ऊपर ये जाएगा तब आपको इसमें बाइंग पोजीशन बना के चलना है। अगर ट्रेडर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता, आप देख सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर यहीं से रिट्रेस करके फिर से ये नीचे की साइड आएगा, तब आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम या कैंडल सपोर्ट ले चुका है। अगर कल के सेशन में चांस अगर ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करके अगर सपोर्ट लेने आता है, तब आपको उस केस में शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 382 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 380 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 378 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 385 का। अगर ट्रेडर इस लेवल के नीचे जाएगा तब आपको इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है। तो कल के लिए हमारा ये फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा विप्रो की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हम डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसमें ट्रेडर आप देखें तो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन जो है आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन जो मल्टीपल टाइम या रेजिस्टेंस की तरह फॉलो कर चुका है, ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया है, फिर सेकेंड टाइम रिटेस्ट किया, फिर ये थर्ड टाइम रिटेस्ट किया है। अगर ट्रेडर कल के सेशन में चांस है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, तब आपको इसमें बाइंग पोजीशन देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 419 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 421 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 425 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 416 का। अगर ट्रेडर ये लेवल को ब्रेकआउट करके निकलता है तब आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनाना है। अगर ट्रेडर अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता, यही रिटेस्ट करके फिर से ये नीचे की साइड ये सपोर्ट लेने आएगा, तब आपको उस केस में शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 416 पे नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 413 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 411 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 419 का। अगर ट्रेडर इस लेवल के नीचे जाएगा तब आपको इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है। तो कल के लिए हमारा ये सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा अदानी पोर्ट की तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें जो ये जो आप ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइम या सपोर्ट की तरफ फॉलो कर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडर ये आप देख सकते हैं, जब भी ये सपोर्ट लेता है तो एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। अगर ट्रेडर कल इसमें चांस है अगर यहाँ से रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, तब आपको उस केस में बाइंग पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 734 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 737 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 740 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 731 का। अगर इस लेवल के ऊपर ये जाएगा तब आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। अगर ट्रेडर ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल नहीं दिखाता और ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन कर देता है, तब आपको इस लेवल से नीचे शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 730 से नीचे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 727 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 724 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 733 का। तो कल के लिए हमारा ये थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। तो कल के लिए हमारा फोर्थ और लास्ट स्टॉक हो जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी के तरफ से। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आप जो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइम या सपोर्ट की तरफ फॉलो कर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, जो आप ये पैटर्न का नाम जानते हैं तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर ट्रेडर अगर ये यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तब आपको उस केस में बाइंग पोजीशन बनाना है, जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 1612 से ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 1616 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 1620 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1608 का। अगर इस लेवल के ऊपर ये जाएगा तब आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। अगर ट्रेडर ये ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तब आपको उस केस में शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है, तो जिसमें हमारा लेवल हो जाएगा 1605 से नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे 1601 का, सेकेंड टारगेट रखेंगे 1596 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1609 का। अगर ट्रेडर इस लेवल के नीचे जाएगा तब आपको इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना है। तो कल के लिए हमारा ये फोर्थ इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर टैग करें। और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।